निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन राबता करके फलस्तीनियों के खिलाफ गजा में इसराइली जारहियत और ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म से इसराइली काबिज फौज की जानब से फलस्तीनियों पर मुसलसल बला तफरीक और बदतरीन बम्बारी बिलखसूस अल अहली हस्पताल पर बम्बारी की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब के मेयर कराची बरकरार रहने की राह हमवार हो गई है। तफसीलात के मुताबिक मुर्तजा वहाब वाला मुकाबला इब्राहिम हैदरी से चेयरमैन मुंतखब हो गए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब इब्राहिम हैदरी की UCR से इलेक्शन लड़ रहे थे। रावलपिंडी लखी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक लखी मरवत के इलाके सिमवाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखला सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि चेयरमैन PTI को हमेशा कहा फौज से बना कर रखे, वो एक जिद्दी इंसान है। शेख रशीद कई दिन तक रोपोश रहने के बाद मंसरे आम पर आ गए। उन्होंने निजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि चिल्ले पर गया था, किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दुबई पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी के लिए दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। नवाज शरीफ ने दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 साल बाद आज पाकिस्तान जा रहा हूँ।